बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इन्वेस्टर समिट में आए निवेश को लेकर बैठक की, जिसमें विभागों के मंत्री, पीएस और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने सभी अधिकारियों से चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 15,42,540 करोड़ का निवेश आया है, जिसको लेकर सीएम ने संबंधित विभाग को प्राप्त प्रस्तावों का फॉलोअप लेने के निर्देश भी दिए। बैठक में राजधानी भोपाल में कन्वेंशन सेंटर बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने जीआईएस के सफल आयोजन के लिए मंत्री और अफसरों को बधाई दी। शिवराज ने कहा कि ऐसा उत्साह पहले नहीं देखा। बता दें कि अगले हफ्ते फिर सीएम शिवराज सिंह चौहान समीक्षा करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री निवेशकों से मुलाकात भी करने वाले हैं। चौहान ने बैठक ली है, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी इस बैठक में शामिल हुए। हम उनसे बात करेंगे। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को के बाद मुख्यमंत्री ने आज बैठक बुलाई, क्या कुछ चर्चा हुई? जी, समीक्षा की है। इतना बेहतर आयोजन हुआ है और जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में चर्चा है उसकी। और निश्चित रूप से यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भारतीय प्रवासी का जो सम्मेलन हुआ है उसमें बहुत काफी देशों से लोग आए थे और सफल कार्यक्रम हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के भी हम वास्तव में उनको जितना धन्यवाद दिया जाए कम है कि उनके मार्गदर्शन में, नेतृत्व में बड़ा कार्यक्रम आयोजन हुआ है और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भी सफल रही है। अब उसको जितने भी एमओयू वगैरह जितने भी हुए हैं या जो आना चाहते हैं निवेश करने, वो सारी चीज़ें जमीन पर उतर जाए उसके लिए आज उन्होंने सारे मंत्रिमंडल, हमारे जो सहयोगी साथी हैं वो भी उससे जुड़े थे वीडियो से, और बाकी सब अधिकारियों को भी आज बुलाया था ताकि उस पर एक्सरसाइज हो जाए पूरी। करीब 15,42,000 करोड़ का ज्यादा निवेश प्रस्ताव आए, तो कौन से ऐसे प्रमुख सेक्टर में जहां पर सरकार चाहती कि ये स्टार्ट जो उद्योग हैं जल्दी शुरू हो मध्य प्रदेश में? इसीलिए ये आज बैठक बुलाई थी कि भाई कौन कौन से आए हैं, कहाँ कहाँ निवेश होने वाला है, कौन से, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो या जो भी हो, उन सबके बारे में आज उन्होंने कहा है। तो मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते में ये सारी तैयारी करेंगे और उस पर कन्वेंशन सेंटर एक भोपाल में बनाने को लेकर भी चर्चा हुई। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि यहाँ पर भी आवश्यकता है और निश्चित रूप से उसको उस पर विचार किया जा रहा है। तो बिल्कुल, खासतौर से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो प्रमुख बिंदु है, जो 14,42,000 से ज्यादा का जो प्रस्ताव आए हैं उनको धरातल पर कैसे उतारना है ताकि जो निवेशक हैं वो जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में अपना काम शुरू कर सकें, उसको लेकर एक बैठक बुलाई थी। और सरकार का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द उन प्रस्तावों को पर जो है मोहर लगने के बाद अब आगे किस तरीके से योजनाओं पर काम होना है उसको लेकर चर्चा की जा रही है और लगातार मुख्यमंत्री भी इसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। नागेंद्र सिंह के साथ सुग्रसर महाबंसली, उस भोपाल।